आज हम सीखेंगे घर पे सिंधा नमक कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमारे सबके घर में डेली यूज होता है, जिसके बगैर कोई भी फूड रेसिपी नहीं तैयार हो सकती, स्पेशल इंडियन फूड रेसिपी। तो उसका नाम है नमक। हम जनरली अपने घर में सी सॉल्ट यूज करते हैं, जो बाजार से 20-25 रुपए किलो मिल जाता है, जो आयोडाइज नमक भी सुनते हैं हम, आयोडाइज इवेपोरेटेड नमक बोलते हैं, जो समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके और उससे बनाया जाता है। और आजकल उस नमक के हमें डॉक्टर्स ने भी बताया कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं उसे, बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल सबको हो रही है। तो उसका मेन जो फैक्टर है हमारे फूड में वो है उस सॉल्ट, जो सी सॉल्ट हम यूज करते हैं। तो आयुर्वेद में तो पहले से ही इसकी मनाही है, इसको मना किया कि अगर आप यूज करें तो सिंधा नमक यूज करें। सिंधा नमक या उसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो आप यूज करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि आप घर में नमक कैसे बनाएं। सिंधा नमक वैसे बाजार में मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा प्योरिटी की, आजकल मिलावट की हमें थोड़ा डाउट रहता है कि कभी मिलावट ना हो उस नमक में, तो उसको बचते हुए हम अपने घर में सिंधा नमक बिल्कुल प्योरिटी की वजह से उसको बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाजार में कैसे आप रॉक सॉल्ट बना सकते हैं अपने घर में। इस टाइप के आपको देखो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं बाजार में, ये पत्थर है नमक का। ये आपको देखो कितना पिंक कलर है। तो आजकल देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर पिंक कलर है इस नमक का। तो ये बाजार में पिंक सोल्ट करके भी मिलता है 100-150 रुपए किलो तक, लेकिन ये बाजार में अगर पूरा पत्थर लेके आओगे तो 50-60 रुपए किलो मिल जाता है। मैं ले गया हूँ 60 रुपए किलो इसको, ये लगभग 1.5-2 किलो का पत्थर है। तो ये और बड़े साइज में भी आते हैं, इसमें व्हाइट भी आते हैं, व्हाइट थोड़ा सस्ता मिल जाता है 40 रुपए तक किलो तक। ये थोड़ा पिंक कलर अगर आप छांट के निकालोगे वो 60-40 भी मिल जाता, मतलब 60 तक मिल जाता है आपको बाजार में ये। तो इसको कोई बड़ा काम नहीं है इसको घर में बनाने का, आप इसमें घर को इजीली बना सकते हो। लेकिन कई बार आपको दिखता कि ये मिट्टी लगी होती है इसमें, जैसे बाजार में देखोगे आप ही थोड़ा मिट्टी है, तो इसको आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ज्यादा मिट्टी हो तो आप इसको धो भी सकते हैं, इसको धो के आप इसको धूप में सुखा दो तो आपका ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और सुखाने के बाद इसको हम कूट सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं घर में आपको कैसे इसको बना सकते हैं कूट के। ये तो एक टाइप का सोल्ट है, ये होता है पिंक सोल्ट, ये पिंक सोल्ट था। एक दूसरा जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज करते हैं काला नमक, जो चाट मसाले में डाल के खाने के लिए होता है, तो ये दूसरा देखो, ये भी आपको बाजार में इस पत्थर की फॉर्म में मिल जाता है। ये देखो, ये आपको ऐसे इस फॉर्म में ऐसे मिलेगा पत्थर काला नमक। ये भी आप घर में कूट के अपनी मिक्सी में ग्राइंड करके इसको भी आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो ये भी आप बाजार से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, ये भी इजिली उसी नमक की आपकी जो भी पंसारी की दुकान है वहां पे ये इस टाइप का नमक मिल जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि घर में कैसे इसको इजिली कूट के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब स्टार्ट करते हैं आपको घर में कैसे इसको बनाएं। आपको इसके लिए एक तो चाहिएगा ये मोमजिस्ता, लोहे का, ये इसका कैपेसिटर है जिससे हम नमक कूटेंगे। तो अगर जब आपके पास बड़ा पीस है तो पहले इसको आप छोटा पीस में कन्वर्ट कर लें, किसी भी कपड़े वगैरह पे जैसे रख के, ऐसे इस पे रख के आप इसको ऐसे मारेंगे ना तो ये छोटा टुकड़ा पीस हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ा छोटा यहाँ पे देखोगे आप काट के इनको छोटा कर लिया था, मैंने ये बड़ा पीस था सारा कंबाइन था, इनको मैंने तोड़ के छोटे छोटे पीसीज में कर लिया। तो आप इसको किसी भी नीचे कपड़ा बिछा के या कोई न्यूज़पेपर लग के इसको छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद करने के बाद आप इसको इसमें डाल सकते हैं, इसमें डालेंगे इसको, या ये छोटा थोड़ा पीस इसको ऐसे छोटे वाले पीस को इसमें डालेंगे और इसको हम अब कूटेंगे। आप इसके लिए नीचे थोड़ा कपड़ा रख लें ताकि नीचे वजन ना जाए, ये ऐसे कपड़ा है इसे कुछ लगा के आप थोड़ा नीचे से स्पेस रखें। ऐसे आप इसको रखें, दूसरा पीस बोलें
तो देखिए आप इसमें देखेंगे छोटी छोटी गोलियां। तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे कूट के निकाल लेंगे। ऐसे हम निकाल लें इसे और ऐसे ही हम और डाल के फ्रिज में ऐसे कूटते रहेंगे। तो अब देखो फ्रेंड्स ये हमने देखो कूट के निकाला इसमें से, ये ऐसे छोटे छोटे पीसीज हो गए हैं इस नमक के। इस नमक के बाद आप इसको अभी अलग कर लेंगे, जो ये इस टाइप का साइज है इतना साइज आप कर लें, जो ये साइज है ना इस साइज को आप बना लें। फिर इस साइज को क्या करेंगे हम, इसको और फाइन करने के लिए अपना ग्राइंडर यूज करेंगे। अगर इसमें ज्यादा पीस नहीं है तो जो हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें ऐसे ऐसे पीसेस डाल के हम इसको और फाइन करके। अगर फ्रेंड्स आपके घर में ये नहीं है ये मूंग पिस्ता और ये नहीं है, तो आप कोई ऐसा कॉटन बैग ले लें, उसके अंदर इस नमक को ऐसे रखें और इसको रख के यह थोड़ी है, या तो इसको थोड़ी से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर लें इस साइज का, ताकि आपके ग्राइंडर में जिसे ये फूट सके या ग्राइंड हो सके, इसको थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा कर ले। अदरवाइज इसको पूरा बंद करके आप इसको ऐसे मार मार के इसको छोटा कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास ये नहीं है दोनों आइटम, तो इससे भी आप अपना काम चला सकते हैं थोड़ी से और किसी कॉटन बैग में डाल के। चलो अब आपको इसको ग्राइंड करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम अब आपको इसको फाइनली फाइन पीसेज में ग्राइंड करके दिखाएंगे मिक्सी में कैसे करते हैं। आप मिक्सी ले लें ग्राइंडर वाला, और इसको जिसके बड़े बड़े पीसीज हैं वो वाले इसके अंदर डाल दीजिए। पीसीज को इसमें ग्राइंड करेंगे आप। फाइनली हमारा अब ये पीस के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल फाइन पीस जाता है ये, और ऐसे ही कर करके हम थोड़ा थोड़ा डाल के आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप नमक पीस सकते हैं अपने घर में। ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे आप देखो बिल्कुल फाइन बिल्कुल वाइट नमक बनाइए। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये इस स्टेज पे था नमक बड़े पूरे पत्थरी फॉर्म में, हमने इसको तोड़ के छोटा छोटा ग्रैनुल्स में कन्वर्ट कर लिया। इसको आप तोड़ के स्टोर कर सकते हैं, और जब जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसको उतना आप ग्राइंड करके ऐसे बना लें। बिल्कुल फाइन है। इसको हम वर्त का नमक भी बोलते हैं, ये सिंधा नमक रोक सोल्ट सब ये एक ही है ये इस, और इसमें जब आप घर में बनाएंगे तो आपको कोई भी इम्प्योरिटी का डाउट नहीं रहता आपके मन में कि ये इम्प्योर है इसमें कुछ मिलावट है। तो ये हमारे आंखों के सामने हमने खुद पीस के बनाया है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आगे से आप भी ऐसे घर में नमक बनाएं और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। Thank you very much for watching the video.